So good evening. ये देखिए, मैं फिर से एक बार रिवाइज करता हूँ। कोर्स शुरू हुआ था बेसिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा से, इंटीजर क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट क्या होता है, कैर क्या होता है, उसके हिज्जे पुर्जे आपको समझ में आने चाहिए। फिर जब प्रोग्राम लिखते हैं तो किस तरह से एग्जीक्यूट होते हैं स्टेटमेंट, एक्शन क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर होता है सीक्वेंस, यानी एक के बाद एक स्टेटमेंट लिखो तो एक के बाद एक एग्जीक्यूट होंगे, तो उससे क्या कैलकुलेशन बनते हैं ये समझना। कंडीशनल एग्जीक्यूशन, इफ देन एल्स, याद है आपको स्ट्रक्चर, उसके सब अलग अलग प्रकार जो है। इफ खाली लिखा है और कुछ स्टेटमेंट लिख दिया, फिर इफ कंडीशन समथिंग एल्स समथिंग लिखा, फिर इफ कंडीशन समथिंग एल्स इफ कंडीशन समथिंग एल्स इफ कंडीशन समथिंग, ये लिखा। और एक हमने देखा था स्विच स्टेटमेंट, इस तरह के अलग अलग स्टेटमेंट होते हैं कंडीशनल एग्जीक्यूशन। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है इटरेशन, यानी रिपीटिटिव लूप स्ट्रक्चर, किसी इंस्ट्रक्शंस को बार बार दोहरा के बड़ा कंप्यूटेशन असेंबल करना, जैसे सम ऑफ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स या nth टर्म ऑफ ए सीरीज, इस तरह से कैलकुलेशन करने के लिए इटरेशन कर। इसमें भी हमने दो प्रकार देखे थे, एक फॉर लूप था एक व्हाइल लूप था। व्हाइल लूप बेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर बोलते हैं, फॉर लूप काउंटिंग से इटरेशन करते हैं, और एक प्रकार है डू व्हाइल, जो व्हाइल की तरह होता है लेकिन उसमें कंडीशन जो है इटरेशन के अंत में चेक। उसके बाद फंक्शन डेफिनेशन, हमने इस क्लास में फंक्शन डेफिनेशन देखे हैं क्या? नहीं देखे हैं, तो ये हमने नहीं किया है अभी तक। लेकिन एरेज हमने देखा है, एरे एलिमेंट कहाँ, जीरो से साइज तक, साइज माइनस वन तक जाते हैं, उन एरेज में अलग अलग वैल्यूज रख के कैसे टोटल करेंगे, एरे एलिमेंट के ऊपर इंडेक्स लगा के फॉर लूप लगाएंगे, सम ऑफ एलिमेंट्स निकाल सकते हैं, मैक्सिमम निकाल सकते हैं, मिनिमम निकाल सकते हैं। मैट्रिक्स, हमने बोला था कि मैट्रिक्स जो है टू डायमेंशनल एरे है, और टू डायमेंशनल एरे का कैसे आई जे को हम हैंडल करेंगे, ये हम पढ़ चुके हैं। क्या हमने पॉइंटर्स पढ़े हैं? नहीं पढ़े। तो ये दो चीज़ें हमने नहीं पढ़ी। अब इस हफ्ते में मैं आज की तारीख में ये फंक्शंस और पॉइंटर्स के बारे में आपको बताऊँगा। अब सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शन, ये फंक्शन क्या चीज़ है। आज तक जितना भी हमने पढ़ाई किया उसमें आपने कोई फंक्शन का रेफरेंस देखा है अपने एग्जांपल्स में या कहीं भी फंक्शन यूज करते हुए देखा है? हाँ, लीनियर सर्च, लेकिन फंक्शन कहाँ हुआ? वो फंक्शन का क्या कंसेप्ट है प्रोग्रामिंग में? अच्छा, मैथमेटिक्स में क्या फंक्शन होता है? मैथमेटिकल फंक्शन तो आप जानते हैं,
ये क्या हुआ, मैथमेटिकल फंक्शन हुआ, एक्स की वैल्यू दी है, वो लेके कोई तो भी साइन नाम का आदमी उसके ऊपर काम करता है और रिटर्न वैल्यू दे देगा वाई। इसका ग्राफ जानते हैं आप, साइन एक्स का कैसे बनता है, बराबर, ये एक्स है, ये वाई है, तो दिस इज, यू से इट इज एफ ऑफ एक्स। अभी ये मैथमेटिकली तो लिख दिया हमने, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा कोई तरीका हमने अभी तक देखा नहीं कि साइन और ब्रैकेट में एक्स लिख दे, क्या होगा उससे। असल में प्रोग्रामिंग में भी इस तरह की सहूलियत है, लेकिन वो सहूलियत एक जनरल टाइप की सहूलियत है। कंप्यूटेशंस कुछ बार बार करना हो तो उसके लिए यू राइट प्रोग्राम्स, बट यू डोंट वॉन्ट टू राइट द सेम थिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। सपोज आपको x का साइन निकालना है, फिर p का साइन निकालना है, फिर q का साइन निकालना है, और साइन x कैलकुलेट करने के लिए आपने एक प्रोग्राम लिखा। कैसे करेंगे आप बता सकते हैं, साइन x कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर x दिया है रेडियंस में तो साइन x की क्या वैल्यू आती है? हाँ, क्या सीरीज है? प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, मैथ्स तो मालूम होना चाहिए। एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेस टू 5 डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल माइनस ये कैलकुलेशन करेंगे। मान लीजिए इसको साइन एक्स नहीं बोला हमने, कुछ तो भी अडॉप्शन हम नाम दे दिया एफ एक्स। अब ये सीरीज अगर लिखी किसी ने तो हम समझ सकते हैं कि ये साइन एक्स है भाई, लेकिन जनरल कोई भी फंक्शन हो सकता है, कोई भी सीक्वेंस दे दिया, उसको कैलकुलेट करो किसी एक एक्स की वैल्यू के लिए, उस फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी। ये भी एक फंक्शन है, ये फंक्शन मान लो हो सकता है कि ये जो एफ एक्स है, दिस इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब। हो सकता है ये क्यूबिक फंक्शन है, कुछ इस तरह का बिहेवियर हो सकता है उसके, हमें मालूम नहीं क्या है। इस तरह से कितने मैथमेटिकल फंक्शन आप सीरीज फॉर्म में लिख सकते हैं। मान लीजिए आपको x की वैल्यू दी है और a0, a1, a2, a3 की वैल्यू दी है और आपको फंक्शन निकालना है उसकी वैल्यू क्या है, प्रोग्राम लिख सकते हैं आप उसके लिए? लिखिए, कैसे लिखेंगे? आपको क्या वैल्यूज दी हैं इनपुट में, a0, a1, a2, a3, ये चार वैल्यूज दी शुरू में। उसके बाद में x की कोई वैल्यू देते हैं 25, आप उसमें इवैल्यूएट करें। उसके बाद में कोई दूसरी एक्स की वैल्यू देते हैं 32.8, उसमें इवेल्युएट करें। उसके बाद कोई एक तीसरी वैल्यू देते हैं 76.2, उसमें इवेल्युएट करें। चौथी वैल्यू देते हैं -4, उसमें इवेल्युएट करें। कैसे करेंगे आप? तो पहले एक ऐसा प्रोग्राम लिखे कि जिसमें एक एक्स की वैल्यू दी है, ए नॉट, ए वन, ए टू, ए थ्री दिए हैं, एक एक्स की वैल्यू दी है, तो आप एफ एक्स की वैल्यू निकालें। तो लिखते हैं प्रोग्राम, उसको कैसे लिखेंगे। ये हमने वेरिएबल डिफाइन कर लिया, ए नॉट, ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर तो कोएफिशिएंट्स हैं, और एक्स कोई तो भी इनपुट वैल्यू आएगी और वाई वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं सी आउट,
ठीक है, चार क्वेश्चन आ गए आपके। अब यहाँ से हमारा एक्चुअल प्रोग्राम शुरू होता है। इस प्रोग्राम में हमें कोई तो भी एक एक्स की वैल्यू देगा और हमें ये वैल्यू फंक्शन की कैलकुलेट करना। सो अभी यहाँ पे हम लिखें क्या ये एक्सप्रेशन सही है, ए नॉट मल्टीप्लाइड बाई ए वन मल्टीप्लाइड बाई एक्स सॉरी प्लस ए वन मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस ए टू मल्टीप्लाइड बाई एक्स इंटू एक्स प्लस ए थ्री मल्टीप्लाइड बाई एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स हो गया वैल्यू। यहाँ पे हम सी आउट दे देते हैं। चलेगा प्रोग्राम, वैल्यू ऑफ फंक्शन इज, यहाँ देखिए ये जो स्ट्रिंग लिखा है यहाँ पे ब्लैंक छोड़ा है हमने। अगर ब्लैंक नहीं छोड़ते तो क्या होता, आउटपुट आता वैल्यू ऑफ फंक्शन इज कोलन और इमीडिएटली वैल्यू आ जाती, जगह नहीं रहती दोनों के बीच, इसलिए जगह रखने के लिए हम ब्लैंक छोड़ा, लेफ्ट ब्लैंक पर्पज। ओके, सो दैट इज ओके, सिंपल। नाउ इफ दिस इज द फंक्शन एफ एक्स, I want you to calculate something different. I want to calculate a new function, say मैथमेटिक्स में तो ऐसा हो सकता है, आपको ये फंक्शन दे दिया कि भाई एफ एक्स जो है ये पॉलिनोमियल है, अब कोई एक नया वी वैल्यू निकालो, जो वी के लिए फॉर्मूला जो दिया है वो ये फंक्शन कैलकुलेट करो एट एक्स इक्वल टू 3.8, फिर ये फंक्शन कैलकुलेट करो एट एफ इक्वल टू -2, फिर दिस -4 टाइम्स एफ ऑफ -2 निकालो, उसको पूरे को डिवाइड करना है, फिर वो फंक्शन कैलकुलेट करो 6.7 से, और फिर फाइनली फिर वो फंक्शन कैलकुलेट करो -3 से। ठीक है, प्रॉब्लम कठिन नहीं है, हमने एक बार पता कर लिया कि एफ ऑफ एक्स कैसे कैलकुलेट करना है तो बस हमें ये चीज एक बार दो बार तीन बार चार बार कैलकुलेट करनी पड़ेगी, हर बार अलग अलग वैल्यू देके। अभी इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं एक सिंपल ब्रूट फोर्स तरीका। ब्रूट फोर्स अंग्रेजी में बोलते हैं घोड़ागिरी, कुछ सोचना नहीं, दिमाग नहीं लगाना, चार बार कैलकुलेट करना है फंक्शन, चार बार ये स्टेटमेंट लिखेंगे, चार बार कैलकुलेट करें। अब हर बार कैलकुलेट करके जो वैल्यू आएगी अलग अलग वेरिएबल में रख लेंगे और फाइनली उसको मिला के वी की वैल्यू निकाल लेंगे। सो इफ वी वॉन्ट टू डू दैट, हाउ विल वी डू इट? यहां तक तो प्रोग्राम सेम रहेगा, ठीक है, ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री पढ़ना है, क्वेश्चंस वो हमने पढ़ लिए, अब हमें ये कैलकुलेट करना, हर बार में अलग अलग करना। पहले हम ये तय करते हैं कि इन चार बार कैलकुलेट करना है तो चार बार वैल्यूज क्या होंगी, उसकी जो फाइनल कैलकुलेट होगी वैल्यू। मान लीजिए हम बोल देते हैं यहां पर फ्लोट वी वन वी टू वी थ्री वी फोर,
आर्बिट्रेरी नाम दे दिया कुछ तो भी, चार नाम, और एक फाइनल वैल्यू वी की रहेगी, तो उसके लिए यहां पे डिफाइन कर दिया वी, ठीक है। अब यहां मैंने सैंपल लिखा है 3.8 माइनस 2, 6.7 माइनस 3, लेकिन ये जरूरी नहीं कि यही चार वैल्यूज हो, कोई आप इसके लिए प्रोग्राम लिखो और बाद में कोई बोले कि अच्छा मेरे को ऐसे ही फंक्शन कैलकुलेट करना है, खाली 3.8 की जगह 3.7 करना, तो क्या फिर से आप अपना प्रोग्राम मिटा के फिर करेक्ट करेंगे? इसके बजाय ये अच्छा है कि कोई भाई इस तरीके का प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है हमेशा, तो आप चार टर्म्स हैं इसमें, मैं उनको V1, V2, V3, V4 दे रहा हूँ नाम, और ये जो वैल्यूज हैं इनको भी मैं इनपुट करके अलग अलग पढ़ लूँ, ये भी चार वैल्यूज हैं, तो इनके भी मैं नाम दे देता हूँ। ठीक है, अब ये जैसे मैंने इनपुट पढ़ा था, कोएफिशिएंट्स पढ़े थे पहले, अब जो ये अलग अलग चार वैल्यूज है, इसको मैंने नाम दिया है x1, इसको नाम दिया है x2, इसको नाम दिया है x3, इसको नाम दिया है x4। या तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x1 इज इक्वल टू 3.8, x2 इज इक्वल टू -2, x3 इज इक्वल टू 6.7, और x4 क्या है -3। ये दे सकता हूँ, एक तरीका ये है, लेकिन इसमें भी फ्रीज हो जाएंगी वैल्यूज, चेंज करना है तो मुझे प्रोग्राम बदलना पड़ेगा। ऐसा करने की बजाय मैं ऐसा कर देता हूँ, ये ज़्यादा ठीक है, ये ज़्यादा जनरल प्रोग्राम है, सो दैट टुमारो आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द सेम वी फॉर डिफरेंट वैल्यूज हियर, आई विल बी एबल टू डू दैट। यहाँ तक तो ठीक है, अब ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो हमने क्या तय किया है, पैसे पहले तो सब हर एक को इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, इनका नाम हमने दिया है V1, V2, V3, V4, ठीक है, V1, V2, V3, V4 में ये चीज़ें रखना। तो कैसे हम प्रोग्राम लिखेंगे बोलिए, V1 इज इक्वल टू क्या लिखें हम, A0 प्लस A1 मल्टीप्लाइड बाय X1 प्लस A2 मल्टीप्लाइड बाय X1 मल्टीप्लाइड बाय X1 प्लस A3 मल्टीप्लाइड बाय A3 मल्टीप्लाइड बाय X1 मल्टीप्लाइड बाय X1 मल्टीप्लाइड बाय X1, बराबर है, X1 की वैल्यू लेके ये V1 निकाल ले। V2 कैसे करेंगे, इसीलिए मैंने बोला कि ये घोड़ागिरी का तरीका, जो पहले लिखा फिर से लिखो, V2 इज इक्वल टू लिखते हैं हम, एक बार तय कर लिया कि घोड़ागिरी करना है फिर बेशरम होके काम करना पड़ता है, चलो भाई दो हो गए, अभी दो और बचे, क्या लिखें यहाँ, V3 इज इक्वल टू बराबर है, एक और वैल्यू बची है, यहां क्या लिखें बोलिए, A0 प्लस कोई तो बताए, A1 मल्टीप्लाइड बाय X4 प्लस A2
मल्टीप्लाइड बाय एक्स फोर इंटू एक्स फोर प्लस ए थ्री मल्टीप्लाइड बाय एक्स फोर इंटू एक्स फोर इंटू एक्स फोर। ठीक है, हो गया। अब इसके बाद में हम v की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू, न्यूमरेटर क्या है भाई, v1 है माइनस, माइनस है कि प्लस है, माइनस माइनस फोर टाइम्स v2, और इस पूरे को डिवाइड करना है किससे, v3 और प्लस थ्री मल्टीप्लाइड बाय, बराबर। अब थोड़ा सोचिए, जो हमें प्रॉब्लम दिया था वो फंक्शन तो बड़ा सिंपल लिख दिया था किसी ने, एफ ऑफ दिस माइनस एफ ऑफ दिस डिवाइडेड बाय एफ ऑफ दिस प्लस एफ ऑफ दिस, ये सिंपल प्रॉब्लम। हमने एफ कैसे कैलकुलेट करना है यहां पे देखा था, हमने तय किया कि चार बार एफ की वैल्यू इवैल्यूएट करनी है तो हम चार इनपुट ले लेंगे और हर बार अलग अलग उसकी वैल्यू इवैल्यूएट करके यहां रखें। तो देखिए काम हमें कितना बड़ा ज्यादा करना पड़ा, एक ही चीज को एक बार दो बार तीन बार चार बार, मान लीजिए ये 11 बार अगर कैलकुलेट करना होता तो हम 11 बार लिखते ही। मान लीजिए कि थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल नहीं होता लेकिन हनुमान की पूछ की तरह 15 डिग्री का पॉलिनोमियल होता तो हमारा ये स्टेटमेंट वहां तक चला जाता, और ऐसा 12 बार करते हैं ये कोई ठीक नहीं है। तो कोई दिमाग लगा के अच्छा सोचना पड़ेगा, दिमाग के अलावा हमें कोई फैसिलिटी चाहिए कंप्यूटर में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जिससे हम इसको शॉर्ट कर सकें। तो इसके बारे में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइन करने वाले लोग थे, जिन्होंने सी प्लस प्लस डिजाइन करी, उसके पहले फोरट्रान कोबॉल पास्कल डिजाइन करी, उन्होंने सोचा कि कैलकुलेशन करते टाइम बहुत बार लोगों को ऐसा फंक्शन कैलकुलेट करना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि भाई आपने, आपको पता है कैसे कैलकुलेट करना, लेकिन आप कुछ ऐसा तरीका नहीं बता सकते हैं कि कैसे कैलकुलेट करना, एक जगह लिख दिया और फिर जहां भी गरज पड़े हमने प्रोग्राम में ऐसी कोई बोलने की फरमाइश रख दी कि भाई वो हमने लिखा है वहां जाके कैलकुलेट करके लाओ, वो हमने फंक्शन कैसा कैलकुलेट करना वहां लिखा है वहां जाके कैलकुलेट कर। तो कोई तो भी और जगह है जहां पे वो फंक्शन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा लिख रखा है, और हमको हर बार जब भी कैलकुलेट करना होता है हम वहां जाएंगे एक्स की वैल्यू लेके वहां कैलकुलेट करेंगे वापस आ जाएंगे, फिर एक्स की वैल्यू दूसरी लेके जाएंगे कैलकुलेट करेंगे आ जाएंगे। तो हमें हर बार अपने प्रोग्राम में वही वही चीज फिर से नहीं लिखनी पड़ती। ये जो फैसिलिटी है कि आपको जो भी कोड एक एग्जीक्यूट करना है उसको कहीं और जगह लिख दो आप, और अपने प्रोग्राम में कोई ऐसा फैसिलिटी हो कि आप जब भी उसको कैलकुलेशन को करना चाहते हैं किसी दूसरी वैल्यू के साथ, एक्स वैल्यू के साथ, आप वो एक्स वैल्यू लेके वहां जा सकें, वहां कैलकुलेट करके रिटर्न वैल्यू लेके आ सकें। इस फैसिलिटी को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी फंक्शन ही बोलते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी फंक्शन ही बोलते हैं। और उस फंक्शन को लिखने का तरीका जो है वो अब हम देखेंगे कैसे यह फंक्शन लिखा जाता है। हमें जो फंक्शन कैलकुलेट करना है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी देख ले पहले। यह हमारा प्रोग्राम चल रहा है, इस प्रोग्राम में कहीं इस जगह हमें वो एफ एक्स कैलकुलेट करना है। हम ये चाहते हैं कि यहाँ कोई ऐसी सुविधा हो कि यहाँ हम एक्स की वैल्यू दें तो वो एक्स की वैल्यू लेके यहाँ चला जाए कहीं तो भी और, जहाँ पे वो कैलकुलेट करे फंक्शन को कैलकुलेट फंक्शन वैल्यू, और जो भी वैल्यू आए उस वैल्यू को लेके वापस आ जाए यहाँ पर, ये वैल्यू जो हो वो सेव ही है वापस आए। भाई हम एफ ऑफ एक्स लिखते हैं उसका क्या मतलब, एक्स की वैल्यू है उसमें एफ ऑफ एक्स अप्लाई करो जो वैल्यू आएगी रिटर्न, यहाँ पे भी तो हमने वही लिखा था, इसका फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे दिया। हम करीब करीब उसी तरह की फैसिलिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चाहते हैं, वी वॉन्ट ए सिमिलर फैसिलिटी इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। Whereby I have written a program somewhere, I should be able to take a value of x for which I want to calculate that function, go somewhere else.
And where I go, the original function should be calculated and I should get the return value here. Now, go somewhere means where do I go? And that somewhere, how will that somewhere know how to calculate function? Wo kaam bhi mujhe hi karna hai. To iske liye C++ mein tarika ye hai, ki aap jo int main likhte ho, uske pehle, int main ke pehle, include vagare likhne ke baad, aap apni function definition likh sakte ho. Us function definition ko is silsil mein likhne ka tarika ye hai, ये देखिए कैसे मैंने स्टेटमेंट्स लिखे हैं. पहला स्टेटमेंट जो लिखा है वो बिल्कुल अलग टाइप का, अभी तक हमने कभी लिखा नहीं था. यहाँ लिखा है फ्लोट पॉली, फिर लिखा है एक ब्रैकेट, उसके ब्रैकेट के अंदर लिख दिया फ्लोट पी, फ्लोट क्यू, फ्लोट आर, फ्लोट एल, फ्लोट एक्स. क्यों लिखा देखते हैं एक मिनट. उसके बाद यहाँ पे एक और वेरिएबल डिफाइन कर दिया फ्लोट वैल, और फिर यहाँ लिखा वैल इज इक्वल टू पी प्लस क्यू एक्स प्लस आर एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स क्यू, और यहां पे लिख दिया रिटर्न वैल. इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इज डूइंग. फर्स्ट ऑफ ऑल यू एग्री दैट दिस स्टेटमेंट इज कंप्यूटिंग द पॉलिनोमियल, यू कैन सेंस दैट इजीली. एंड व्हाट आर पी क्यू आर एल, दे आर नथिंग बट द कोएफिशिएंट्स. ओके, व्हाट इज एक्स, द वैल्यू एट विच यू वॉन्ट टू कैलकुलेट पॉलिनोमियल. तो इसका मतलब तो हमें क्लियर है, लेकिन हमने इस तरह से क्यों लिखा. उसके बाद वैल कैलकुलेट करते हैं, ये फंक्शन की वैल्यू है, और यहां पे फिर लिख दिया रिटर्न वैल, क्या मतलब है? अब इसके लिए हम सोचते हैं. मान लीजिए ऐसा हमने कुछ फंक्शन लिख दिया और ये फंक्शन जो है वो ये. अब हम फैसिलिटी क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे प्रोग्राम में कहीं पे भी हमें अगर ये एफ ऑफ एक्स कैलकुलेट करना है, हम खुद ना लिखें कुछ, एक जगह लिख दिया है हमने. अब हमारे प्रोग्राम को हम बताएं कि भैया एक्स की वैल्यू लेके वहां चले जाओ और वो फंक्शन कैलकुलेट करके रिटर्न वैल्यू लेके आ जाओ. अब वो खाली एक्स की वैल्यू से तो पॉलिनोमियल कैलकुलेट नहीं हो सकता, क्योंकि पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स भी हैं. तो जब हम वहां जाएंगे तो एक्स के साथ साथ हमें ए नॉट, ए वन, ए टू, ए थ्री भी भेजना पड़ेंगे. अगर हमने ये पांच चीजें भेज दी ए नॉट, ए वन, ए टू, ए थ्री और एक्स, तो इन पांच चीजों को लेके मेरा फंक्शन कैलकुलेटर कैलकुलेट कर सकता. ये पांच चीजें यहां से जाएंगी, लेकिन कहां जाएंगी, उसके लिए हमने ये ब्रैकेट में ये पांच चीजें ली. इनको बोलते हैं पैरामीटर्स. जहां हम यहां से जो जिनको भेजते हैं उनको बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स.
और फंक्शन में जो हम लिखते हैं उनको बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स या डमी पैरामीटर। जब हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे तो सी प्लस प्लस क्या करता है ये समझें। यहां पर मेरे मेमोरी में वेरिएबल्स में ए नॉट है, ए वन है, ए टू है, ए थ्री है, एक्स है, ठीक है, ये चीजें मेरे पास मेमोरी में है क्योंकि यहां मैंने डिक्लेयर करी है सब, ए वन ए टू ए जीरो ए थ्री एक्स वाई, वाई की भी मेमोरी है, इसके अलावा वी वन है वी टू है, बहुत सारी चीजें, ये सब मेमोरी मैप हुआ मेरे मेन प्रोग्राम। जब हम उस फंक्शन की तरफ इन पांच चीजों को लेके जाएंगे तो ये जो पांच चीजें आएंगी उनको संभाल के रखने के लिए फंक्शन में जगह चाहिए। फंक्शन हमने यहां लिखा है, जब भी हम फंक्शन लिखते हैं तो सी प्लस प्लस एक काम करता है कि जितने भी पैरामीटर्स हैं उनके लिए मेमोरी अलोकेट कर देता है। अब उसकी जो मेमोरी होगी उसमें पहला लिखा है पी, तो यहां पी होगा, फिर क्यू होगा, फिर आर होगा, फिर एल होगा, फिर एक्स होगा, ये मेमोरी वो अलोकेट कर देगा जब भी हम ऐसा फंक्शन लिखेंगे। तरीका यह है कि जब भी हम इस फंक्शन को जाएंगे वो फंक्शन जानता है कि मेरे पास पांच वैल्यू आने वाली है, वो ये भी जानता है किस ऑर्डर में आएगी, पहली वैल्यू जो होगी वो पी की होगी, दूसरी क्यू की होगी, तीसरी आर की, चौथी एल की और पांचवी एक्स की। जैसे ही वो वैल्यूज आएंगी वो कॉपी करके इन लोकेशन में डाल के रख लेगा, उसके बाद वो प्रोग्राम देखेगा अरे यहां वैल भी है तो यहां पे वैल भी बना देगा। ये वैल बनाने के बाद में वो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। अब देखिए एग्जीक्यूट करने के लिए उसको सिंपल है क्योंकि उसके पास अब पी क्यू आर एक्स सबकी वैल्यू आ गई है जब कॉपी होके आई तब, तो यहां पे जो भी वैल्यूज होंगी वो लेके वो कैलकुलेट कर देगा। आगे हमने स्टेटमेंट लिखा है रिटर्न वैल, अब आप समझ गए होंगे रिटर्न का मतलब क्या है कि भाई वापिस जाओ मेरा कैलकुलेशन हो गया, लेकिन वापिस क्या लेके जाओ, तो ये जो वैल आपने कैलकुलेट किया है उसको लेके जाओ। तो यहां पे जो भी वैल्यू आएगी वो ये फंक्शन लेके तश्तरी में वापिस चला जाएगा यहां पर, और यहां पे वो कहां रखेगा वैल्यू, यहां पे रखने के लिए कोई जगह हो ऐसा जरूरी नहीं है, वो उस पर निर्भर करता है कि हमने फंक्शन कैसे कॉल किया। अब वो फंक्शन कैसे कॉल करते हैं उसे देखते हैं। बिल्कुल जैसे मैथमेटिक्स में फंक्शन लिखते हैं वैसे ही एक्सप्रेशन में लिख देते हैं फंक्शन, पॉली ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री एक्स वार। ये पॉली क्या हुआ, फंक्शन का नाम है, कहां से मिला हमें, क्योंकि हमने ही वो लिखा है वहां, तो ये जो है ये फंक्शन का नाम हो गया, नेम ऑफ द फंक्शन। ये सब चीजें जो है फॉर्मल पैरामीटर्स हो गए, ये रिटर्न वैल्यू हो गई। ये यहां फ्लोट क्यों लिखा है, ये फ्लोट इसलिए लिखा है कि कोई भी फंक्शन सी प्लस प्लस में कुछ भी आप कंप्यूटेशन करवा लो वो एक वैल्यू लेके वापस जा सकता है, जैसे कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न आती है वो एक वैल्यू ले जा सकता है, लेकिन चूंकि वो वैल्यू इंटीजर भी हो सकती है, फ्लोट भी हो सकती है, कैरेक्टर भी हो सकती है, तो ये फंक्शन को कैलकुलेट करते समय ये कैसे पता चले कि भाई अपने को कौन सी रिटर्न वैल्यू लेके जाना है, उसके लिए हम ये लिखते हैं फ्लोट। इसका मतलब मैं कैलकुलेशन जो भी करूं रिटर्न में जो भी लिखूंगा उसको आप इस फ्लोटिंग में कन्वर्ट करके वापस ले जाए, तो जो वापस आएगी वैल्यू वो फ्लोटिंग पॉइंट आएगी, वो कहाँ आएगी। अब देखिए ये जो है ये हमने स्टेटमेंट लिखा है हमारे प्रोग्राम में, ये तरीका है फंक्शन को एग्जीक्यूट करने का। पहले हमने फंक्शन लिख दिया, फिर हम ये प्रोग्राम लिख रहे हैं, उसके बाद हमने यहाँ तक लिख दिया, यहाँ के बाद हम वी वन इक्वल टू ये सब करने की बजाय हम यहां लिख रहे हैं v1 इज इक्वल टू पॉली दिस दिस दिस। इसका मतलब है कैसे कैलकुलेट करना हमने एक बार लिख दिया है, तो आप ये पांच चीजें लेके कृपा करके पॉली के पास चले जाइए, वो पॉली इन पांच चीजों को लेके कैलकुलेट करेगा वैल्यू, उसकी जो भी वैल्यू आएगी, मान लीजिए उसकी वैल्यू आ गई 73.8, तो जहां पर यह पॉली लिखा है उसकी जगह आप 73.8 बना दीजिए। In short, when you come back from the function, wherever you have made the reference to the function,
दैट इज रिप्लेस बाय द रिटर्न वैल्यू. वो फंक्शन का रेफरेंस निकल जाएगा, उसकी जगह वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, अब ये वैल्यू यहां आ गई, चूंकि आपने लिखा है v1 = this, तो जब वहां जाके वापस आएगा तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, v1 = 73.8. वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, 73.8 इसकी वैल्यू होगी. लेकिन यहां पे अब मुझे ये पूरा एक्सप्रेशन लिखने की जरूरत नहीं थी, खाली पैरामीटर्स दे दिए, कैलकुलेट करके आ गया. अब इसी तरह से मेरे को अगर v2 v3 वगैरह कैलकुलेट करना, तो मैं क्या लिखूंगा बोलिए. v2 = पॉली a0 a1 a2 a3 x2. अब देखिए ऐसा लिखने से C++ क्या करेगा, वो C++ ये देखेगा अरे फिर से पॉली को बुलाया है, तो ये अपनी 5 वैल्यू समेटेगा, ये 5 वैल्यू लेकर वहां चला जाए. अब की बार ये 5 वैल्यूज यहां रखी जाएंगे, हालांकि पहली 4 वैल्यूज तो सेम है, लेकिन वो फिर से और कॉपी करेगा, कॉपी करके यहां आएगा, वैल कैलकुलेट करेगा इस फॉर्मूले से, रिटर्न जाएगा, वो वैल्यू लेके यहां आ जाएगा. मान लीजिए इस बार वैल्यू आई -12.5, तो -12.5 लग देगा, मतलब जो एक्सप्रेशन है वो बदल जाएगा. अब एक्सप्रेशन हो जाएगा v2 = -12.5, वो -12.5 को लेके असाइन कर देगा. इसी तरह से हम v3 भी लिख सकते हैं, इसी तरह से हम v4 भी लिख सकते हैं. शॉर्टकट क्या हो गया, हमें ये पूरा एक्सप्रेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ी. मोर इंपॉर्टेंट, कल को अगर फंक्शन चेंज हो जाता है तो भी हमारा जो कैलकुलेशन करने का तरीका है वो वही रहेगा, हम पॉली की डेफिनेशन चेंज कर सकते हैं. स्टिल मोर इंपॉर्टेंट, अब ये लिखने के बाद ये चारों वैल्यू हमने पढ़ ली, x1 x2 x3 x4 की, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने यहाँ असाइन किया था, पढ़ लिया था. अब इसके बाद में हम सीधा ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे y लिखा था, y = ये देखिए एक बड़ा एक्सप्रेशन हमने लिख दिया. समझ गया आप मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक ही एक्सप्रेशन में उस फंक्शन को बार बार बुला रहा हूं. ये जो पोर्शन है फंक्शन का, उसमें लिखा पॉली ये वैल्यूज के साथ जाओ, वैल्यू लेकर आ, फिर बाद में बोला 4 × this, अगेन पॉली को इन्वोक किया. अब कुछ अज्यूम कर लीजिए कि इसकी कोई वैल्यू आती, इसकी कोई वैल्यू आती, इसकी कोई वैल्यू आती, इसकी कोई वैल्यू आती, ये C++ क्या करेगा, वो एक्सप्रेशन इवैल्यूएट कर रहा है. एक्सप्रेशन इवैल्यूएट करते करते उसे बीच में फंक्शन रेफरेंस मिल गया. जब भी फंक्शन रेफरेंस आएगा वो अपनी वैल्यूज पैरामीटर्स की लेके वहां जाएगा, कैलकुलेट करेगा, और रिटर्न वैल्यू कहाँ आएगी, रिटर्न वैल्यू जो भी फंक्शन रेफरेंस है उसको रिप्लेस कर. यानी 4 बार फंक्शन इवैल्यूएट करने के बाद में हो सकता है कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन है वो कुछ ऐसे हो जाए, y =
73.6 minus 4 multiplied by 52.4 divided by, let's say, 62.1 plus 12.8. ऐसे हो जाए एक्सप्रेशन. ये कैसे होगा? पहली बार ये पॉली को गया, उसकी वैल्यू आ गई 73.6. दूसरी बार यहाँ आ गए तो 4 है, 4 ऐसे ही रहेगा. दूसरी बार पॉली को गया, उसकी वैल्यू आ गई 52. यानी हर जगह यहाँ भी फंक्शन रेफरेंस हमारे एक्सप्रेशन में हम लिखेंगे, वो फंक्शन रेफरेंस की जगह कैलकुलेटेड वैल्यू वापस आ जाए. देखिए प्रोग्राम कितना सिंपल हो गया. अब मैं चाहिए तो 50 बार उसे एग्जीक्यूट करूँ फंक्शन को. एक बार लिखा है मैंने फंक्शन कैसे कैलकुलेट करना. अब आप सोचिए कि इतना सिंपल फंक्शन होने की बजाय अगर कोई ऐसा फंक्शन होता कि जिसको कैलकुलेट करने के लिए 10 स्टेटमेंट लगते हैं. यू रिक्वायर 10 स्टेटमेंट्स टू कैलकुलेट दैट फंक्शन. इन द ओल्ड स्टाइल व्हाट वुड हैपन? फॉर x1 यू राइट 10 स्टेटमेंट्स, देन फॉर x2 अगेन 10 स्टेटमेंट, फॉर x3 अगेन 10 स्टेटमेंट. इट वुड बिकम वेरी डिफिकल्ट. हियर यू राइट दोज 10 स्टेटमेंट्स ओनली वंस एंड गो देयर विद पैरामीटर्स, कम बैक टू द वैल्यू. समझ गए? बस ये सिंपल है फंक्शन. तो जस्ट टू रिवाइज व्हाट ए फंक्शन इज. वन, ए फंक्शन इज ए सेपरेटली रिटन प्रोग्राम सेगमेंट. अलग से लिखा हुआ प्रोग्राम का एक हिस्सा है. जो मेन प्रोग्राम नहीं है वो अलग हिस्से का खाली एक मकसद है कि जब भी हमें कोई कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन करना है जो वो प्रोग्राम का हिस्सा करता है, तो हम उस हिस्से के पास जाएंगे, कुछ पैरामीटर्स लेके जाएंगे, एक कैलकुलेटेड वैल्यू लेके वापस आ जाएंगे. वो कैलकुलेशन कुछ भी हो, वो प्रोग्राम का हिस्सा जो है, दैट पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम इज कॉल्ड ए फंक्शन. दिस इज कॉल्ड द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन. ये फंक्शन की डेफिनेशन हो. फंक्शन की डेफिनेशन हमेशा इंट मेन के पहले लिखी जाएगी. उसमें फॉर्मल पैरामीटर्स रहेंगे, उसकी रिटर्न वैल्यू का टाइप रहेगा, ये दोनों नेसेसरी है, और उस फंक्शन का नाम रहेगा. ठीक है? तो तीन चीजें जरूरी हैं. एक तो रिटर्न वैल्यू क्या होगी उसका टाइप, वो अनफॉर्चुनेटली पहले लिखना पड़ता है. फिर उसके बाद फंक्शन का नाम, हमारा चॉइस, और उसके बाद जो भी पैरामीटर्स होंगे अपने अपने टाइप के साथ लिखे जाएंगे. फिर उसके बाद फंक्शन का कोड होगा, जो भी कैलकुलेशंस करना है, और वो कैलकुलेशंस करने के बाद में रिटर्न के साथ जो भी हम वैल्यू लिखेंगे वो वैल्यू वापस जाएगी. ये फंक्शन लिखने का तरीका. फंक्शन को इन्वोक करने का क्या तरीका है? आप प्रोग्राम लिखते जाए, जहां भी आपको गरज पड़े कि भाई वो कैलकुलेशन करना है, फंक्शन का नाम लिख दें एक्सप्रेशन में, और उसके आगे पैरामीटर्स जो एक्चुअल लेके जाना है वो लिख दें. वो अपने आप वहां जाएगा कैलकुलेट करके, जहां भी आपने फंक्शन रेफरेंस लिखा है उसकी जगह उसकी रिटर्न वैल्यू आ जाएगी. समझ गया? अब इसमें कुछ छोटी छोटी चीजें देखें आप. ये जो पूरा फंक्शन हमने वहां लिखा है, हम नहीं चाहते कि पूरे फंक्शन शुरू में लिखें, लेकिन अगर हम शुरू में फंक्शन नहीं लिखेंगे, शुरू में क्यों लिखते हैं? वो हमारा इंट मेन हो गया, इसके बाद में जब हम यहाँ पे ख़त्म कर देंगे तो इसके बाद में हम क्यों नहीं लिखते हैं फ्लोट पॉली? बता सकते हैं आप? ये जो हमने यहाँ पे लिखा शुरू में और उसके बाद हम यहाँ पे इंट मेन लिखेंगे, ये मैंने कहा आपसे राइट, इंट मेन यहाँ आएगा, यानी ये पूरा का पूरा इस प्रोग्राम के ऊपर आएगा. मेरा सवाल ये है कि क्यों ऊपर आए? भाई वो एक अलग हिस्सा है, ये एक अलग हिस्सा है. अब मान लीजिए मैंने पहले मेन प्रोग्राम लिख दिया और उसके बाद में मैं उसके बाद लिखता हूँ पॉली, दोनों मैंने लिख तो दिए हैं, तो क्या दिक्कत है? तो बताइए क्या दिक्कत हो सकती है? हाँ, नहीं नहीं, रिटर्न जीरो का वो तो एग्जीक्यूशन टाइम में रिटर्न होगा. आप कंफ्यूजन ये कर रहे हैं कि आप ये सोच रहे हैं कि सब एग्जीक्यूट हो रहा है. अब सबसे पहले क्या होता है प्रोग्राम, जब आप लिखते हैं तो C++ समथिंग बोलते हैं, तो पहले कंपाइल करेगा,
पहले पूरे प्रोग्राम को समझेगा वो। अब जब वो पूरे प्रोग्राम को समझेगा तो फंक्शन को भी समझेगा, इसको भी समझेगा, तो फिर क्या दिक्कत है हम पहले ये लिखें और फिर बाद में फंक्शन लिखें। ये बात एग्जीक्यूशन की नहीं हो रही है, ये कंपाइलेशन की हो रही है। एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन इटसेल्फ देयर कुड बी अ प्रॉब्लम, सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट द प्रॉब्लम इज। जब कंपाइलेशन होता है तो क्या करता है C++, पूरा प्रोग्राम पढ़ता है, समझता है। अब आपने मान लीजिए इंट मेन से चालू किया तो उसको समझ में आ गया आपका ये मेन प्रोग्राम है। यहाँ पे आपने लिखा है फ्लोट A0 A1, उसको समझ में आ गया A0 A1 के लिए मेमोरी रखनी है। यहाँ पे सी इन लिखा आपने, सी आउट लिखा, उसको समझ में आ गया। उसके बाद में जब वो पढ़ रहा है तो यहाँ लिखेगा Y=poly something, क्या वो समझ सकेगा? क्योंकि पॉली नाम क्या है उसको पता ही नहीं है। अगर आपने यहाँ पहले नहीं लिखा तो इसको पॉली समझ में नहीं आएगा। इसके लिए पॉली की डेफिनेशन पहले देनी पड़ती है, एग्जीक्यूशन का कोई ताल्लुक नहीं है। जो कंपाइलेशन होने वाला है, व्हाइल कंपाइलिंग इट इज रीडिंग स्टेटमेंट्स इन ऑर्डर एंड इट शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट पॉली मीन्स। इफ आई हैव नॉट डिफाइंड पॉली बिफोर इंट मेन, देन व्हाइल कंपाइलिंग इट कैन नॉट फिगर आउट व्हाट इज पॉली। दैट इज व्हाई पॉली हैज टू बी डिफाइंड अर्लियर, नॉट लेटर। लेकिन कई बार लोग बोलते हैं कि भाई मेरा जो पूरा फंक्शन डेफिनेशन है मैं मेरे प्रोग्राम के बाद में ही लिखूंगा। उसके लिए C++ एक सुविधा देता है, स्पेशल सुविधा। उस सुविधा का नाम है प्रोटोटाइप डेफिनेशन। प्रोटोटाइप का मतलब जानते हैं? अंग्रेजी प्रोटोटाइप किसे बोलते हैं? मॉडल। यानी बड़ा हवाई जहाज आप डिजाइन करके बना रहे हैं। हवाई जहाज में तो बाकायदा इंजन होगा, ये होगा, फ्यूल के टैंक होंगे सब, लेकिन आप पढ़ाने के लिए लोगों को एक ढांचा बना लें उसका, हवाई जहाज, भैया हवाई जहाज ऐसे होता है, ऐसे उसके पंख होते हैं, उस ढांचे को बोलते हैं प्रोटोटाइप। किसी भी मशीन का मॉडल बनाएंगे उसको बोलेंगे प्रोटोटाइप। वो प्रोटोटाइप क्यों यहाँ पे, उसकी क्या जरूरत है? हम ये चाहते हैं कि फंक्शन की डेफिनेशन तो हम नीचे लिखें, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि कंपाइलर को समझ में आ जाए हम क्या कर रहे हैं। तो एक कॉम्प्रोमाइज C++ ने निकाला है, यू कैन राइट योर फंक्शन डेफिनेशन एट द एंड, बट एट द बिगिनिंग यू राइट ए ढांचा, यू राइट ए मॉडल, सो दैट व्हाइल कंपाइलिंग व्हेन इट कम्स टू पॉली इट विल अंडरस्टैंड व्हाट इज टू बी डन। ओके, अब ढांचे के लिए क्या जरूरी है? क्या यह जरूरी है कि किस तरह से कंप्यूटेशन किया जाए वो बताए? कोई जरूरी नहीं। उसको यही जरूरी है कि भाई वो फंक्शन का नाम क्या है, उसके पैरामीटर्स क्या होंगे और रिटर्न वैल्यू किस टाइप की होगी, इतना ही उसको चाहिए। तो इसके लिए ये फैसिलिटी है कि इंट मेन के पहले अगर हम ऐसा लिख दें That's it। यानी बॉडी तो हमने लिखी नहीं फंक्शन की, ये हो गया ढांचा, इसको बोलते हैं प्रोटोटाइप। मान लीजिए हमें 3-4 फंक्शन डिफाइन करे हैं तो हम इंट मेन के पहले इसी तरह से 3-4 लाइनें लिख दें, एक लाइन में एक फंक्शन का प्रोटोटाइप डेफिनेशन। अब क्या होगा देखिए, कंपाइलर पढ़ रहा है, सबसे पहले वो ये पढ़ेगा, उसको समझ में आ जाएगी कि भैया ये आदमी जो है पॉलीनॉम का फंक्शन कहीं यूज कर रहा है और उस पॉली के 1, 2, 3, 4, 5 पैरामीटर है और उसकी जो रिटर्न वैल्यू होगी वो फ्लोट टाइप होगी। अब आप सोचिए कि ये कंपाइल करने के लिए उसे इतनी इंफॉर्मेशन की जरूरत है, उसको और कुछ करना नहीं है। सो दैट इंफॉर्मेशन यू आर प्रोवाइडिंग, दिस इज सफिशिएंट, दिस इज कॉल्ड ए प्रोटोटाइप।
एक और फर्दर प्रोटोटाइप तो ठीक है, लेकिन प्रोटोटाइप में हमने फ्लोट पी, फ्लोट क्यू, फ्लोट आर, फ्लोट एल, फ्लोट एक्स लिखा, क्या ये जरूरी है कि इनके नाम लिखे जाएं? कंपाइलर को क्या चाहिए कि भाई कितने पैरामीटर है और हर पैरामीटर किस टाइप का है, उसकी जो लोकेशन है, उनके नाम, वो तो अता पता बाद में आने ही वाला है जब आप फंक्शन लिखोगे। तो ये प्रोटोटाइप का एक और फीचर है, और शॉर्ट में लिखा जा सकता है प्रोटोटाइप को, जो इस तरह से हम लिख सकते हैं, कहीं कोई नाम नहीं, रिटर्न वैल्यू क्या टाइप की है, फ्लोट, कितने पैरामीटर रहेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, किस टाइप की वैल्यूज आएंगी पैरामीटर में, पहला फ्लोट रहेगा, दूसरा भी फ्लोट रहेगा, तीसरा भी फ्लोट रहेगा, चौथा भी फ्लोट रहेगा, पांचवा भी फ्लोट। इतना अगर कंपाइलर को पता चल गया तो कैन यू सी दैट कंपाइलर कैन कंपाइल दिस प्रोग्राम, बिकॉज व्हेन इट सेज पॉली इट सेज देयर इज अ फंक्शन प्रोटोटाइप, हाउ मेनी पैरामीटर्स आर गिवन, 1, 2, 3, 4, 5 मैचेस, What is the type of values? Float, 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 float. Correct? Return value will come while compiling. What is the return value place I should make? It should be float. Later on, of course, I must write the function. कहीं तो भी लिखना ही पड़ेगा ना, calculate अपने आप तो नहीं करेगा, ठीक है? अगर आप int a1, a2, a3, a4 कर देंगे तो जो function है उसके coefficients जो integer ही होने चाहिए, और यहां से जो आप भेजेंगे वो भी इंटीजर होने चाहिए। ये एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर जो है टाइप में एग्जैक्ट मैच होने चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि एक्चुअल पैरामीटर हमने फ्लोट भेज दिया लेकिन वहां पे इंट लिखा है, ये अलाउड नहीं है। वहां से फ्लोट आएगा तो चेंज नहीं करेगा वो, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। फंक्शन कुछ चेंज नहीं करता है, वो एक्चुअली वैल्यू कॉपी करता है। तो ये सवाल, let me repeat this question. What he is saying is that suppose I say int and I send an integer value, but there it is float, or here it is float, there it is int. So what is the problem? It should change. क्यों? हमने सीखा है expression में अगर इधर int है इधर float है तो convert हो जाता है। Expression evaluation में convert होता है, function में क्यों convert नहीं होता, मैं बताता हूँ। मान लीजिए हिज्जे के तौर पर ए नॉट जो है वो इंट है, ठीक है? अब इंट की वैल्यू है, मान लीजिए कोई एक सिंपल वैल्यू पकड़ लेते हैं, 7, ए नॉट इज इक्वल टू 7, ठीक है? ये 7 वैल्यू किस तरह लिखी जाएगी भैया? बाइनरी में 32 बिट है तो 32 बिट के लोकेशन में 7 वैल्यू कैसे लिखी जाएगी बताए? 0 इज 0, 1 इज 1, 2 इज 0 1, 3 इज 1 1, 4 इज 100, 5 इज 101, 6 इज 110 एंड 7 इज 111। तो यहाँ पे 111 होगा और बाकी सब जीरोज होंगे, ठीक है? ऐसी वैल्यू इंटरनल रहेगी लोकेशन में, ये ए नॉट का लोकेशन, ठीक है? ये इंट है। मान लीजिए जैसा इन्होंने कहा, यहां पे हमने फ्लोट लिखा है पी, अब ये लोकेशन है पी का 32 बिट। क्योंकि यहां फ्लोट लिखा है इसलिए जो कंपाइलर है वो जो जहां पे जिस 32 बिट में जो वैल्यू होगी उसको किस तरह से समझेगा कि कोई तो भी एक पोर्शन मैंटिसा है और कोई तो भी एक पोर्शन एक्सपोनेंट है, ठीक है? फ्लोटिंग पॉइंट इसी तरह से डिफाइन होता है। तो मैंटिसा होगा मान लीजिए 0.7142 मल्टीप्लाइड बाय ई टू द पावर माइनस, जैसे यहाँ पे 10 है, ऐसी वैल्यू रहती है फ्लोटिंग पॉइंट की, है ना? तो यहाँ पे जो भी बिट्स रहेंगे वो इंटरनली वो इतने बिट्स को मैंटिसा मान लेगा, इतने बिट्स को एक्सपोनेंट मान लेगा।
अब ये इंपॉर्टेंट फर्क समझिए आप, किसी भी प्रोग्राम में एक्सप्रेशन में जब मैं फ्लोट एक्स इज इक्वल टू इंट पी करता हूँ तो वो ट्रांसफर वैल्यू करते समय कन्वर्शन करता है, यानी ये वैल्यू लेगा 7, इसको फिर वो चेंज करेगा 0.7 मल्टीप्लाइड बाय ई टू द पावर 1, ये मैंटिसा बनाएगा, एक्सपोनेंट बनाएगा, फिर रखेगा उसमें। लेकिन जब फंक्शन कॉल करते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। व्हेन यू कॉल ए फंक्शन नो कन्वर्शन हैपेंस, व्हाट एवर इज द वैल्यू इन दिस लोकेशन विल बी कॉपीड बिट बाय बिट एंड एग्जैक्टली द सेम बिट्स विल बी डिपॉजिटेड, नो कन्वर्शन। अगर ऐसा हुआ तो यहाँ इसमें क्या वैल्यू जाएगी भैया, उसके पैरामीटर में यहाँ वैल्यू जाएगी 0000000011, ये वैल्यू यहाँ आ गई। अब कैलकुलेशन करते टाइम में जब मैं p प्लस कुछ करूँगा तो p की वैल्यू ये क्या समझेगा कि p फ्लोटिंग पॉइंट है, फ्लोटिंग पॉइंट में बोलेगा अच्छा ये मैंटिसा है मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर 7, मैंटिसा की वैल्यू कितनी है भैया 0, क्योंकि ये सब 0 है तो p की वैल्यू हो गई 0। अगर यहाँ पे कोई बहुत बड़ी वैल्यू रखी है अपने इंटीजर में तो उसमें से कुछ अनाप शनाप बिट्स इस तरफ आ जाएंगे उसको वो मैंटिसा समझ लेगा, कुछ अनाप शनाप बिट्स इस तरफ आ जाएंगे उसको एक्सपोनेंट समझ लेगा, यानी जो वैल्यू एक्चुअली यूज करेगा उसका इस वैल्यू से कोई संबंध नहीं होगा, इंटरप्रिटेशन ही अलग हो रहा है। वो ऐसा है कि मान लीजिए आपने तमिल में कुछ लिखा है और मुझे खाली इंग्लिश आती है तो मैं तमिल के अक्षरों को सोचूंगा ये ए है, ये जेड है, ये बी है, और उससे कुछ तो भी अपना मतलब अलग निकालना, कोई मतलब नहीं। इन शॉर्ट, नेवर एवर इन योर लाइफ, नेवर एवर इन अ फंक्शन कॉल देयर शुड बी नो डिफरेंस बिटवीन द पैरामीटर टाइप इन एक्चुअल पैरामीटर एंड द पैरामीटर टाइप इन द फॉर्मल पैरामीटर, दे हैव टू मैच बिकॉज C++ लाइक ए टोटल डम्बो फिजिकली कॉपीज दिस वैल्यू एंड पुट्स इट देयर, दैट्स इट, नो कन्वर्स। ठीक है, ये प्रिंसिपल, ये डिसिप्लिन हमें रखना। या अगर दोनों जगह इंटीजर करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉरी ऐसा जरूरी नहीं कि इंट 2 byte का हो, अपने उबुंटू मशीन जो आप लैब में यूज करते हैं उसमें इंट 4 byte का रहता है। हाँ, इंटीजर भी 4 bytes का होता है, वो कितने bytes का हो उससे कोई मतलब नहीं है, वो छोटा बड़ा कुछ नहीं होगा। इनके पूछने का मतलब यह है कि मान लीजिए एक छोटा इंट है, उसको बोलते हैं शॉर्ट इंट हमारे, वो 2 byte का है, और यहाँ पे बड़ा इंट है तो क्या होगा, तो क्या होगा बताता हूँ। ये 4 byte की वैल्यू लेगा और वो 4 की 4 byte वो 2 byte में फिट करेगा, 2 byte में जाएंगी नहीं, तो अगली 2 byte जो उस फंक्शन में किसी और चीज को अलोकेट की गई हैं उनमें वो बचे हुए बिट्स लिख देगा, तबाही मच जाएगी। यानी पहला पैरामीटर तो गया 12 के भाव, दूसरे पैरामीटर की वैल्यू को भी पेंट लग गया कुछ। तो बिल्कुल सिंपल प्रिंसिपल है कि इस तरह से सोचना ही नहीं कभी, ये गोल्डन रूल, बाइबल, कुरान, गीता सब लिखा है, ये फंक्शन का पैरामीटर एक्चुअल पैरामीटर फ्लोट है वो भी फ्लोट होगा, ये इंट है तो वो भी इंट होगा, वो नहीं है दुकान बंद करके घर जाओ, प्रोग्रामिंग नहीं चलेगी, एज सिंपल एज दैट। ओके, सो इट्स वेरी क्लियर। या फंक्शन का नाम आप कुछ भी ले दे, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां लिख दूं पॉली की जगह लिख दूं हाय हाउ आर यू, वैलिड फंक्शन। लेकिन इस समय यहां पे मुझे लिखने का वाई इक्वल टू हाय हाउ आर यू A0A1A2, हाय हाउ आर यू दिस, हाय हाउ जो भी हम फंक्शन, फॉर C++ इट इज ए स्ट्रिंग, इट्स अ नेम, व्हाट एवर नेम यू गिव देयर यू हैव टू यूज दिस नेम इज योर चॉइस। व्हाई डिड आई से पॉली, ट्राई टू थिंक, बिकॉज व्हाट आई वॉज इवेल्युएटिंग वॉज ए पॉलीनोमियल, इफ आई वॉज इवेल्युएटिंग समथिंग एल्स आई वुड हैव बन समथिंग एल्स। अब इस सिलसिले में आप एक चीज समझें, ये फंक्शन आप लिखने के लिए ये सुविधा है, ऐसे कितने फंक्शन काम में आ सकते हैं। मैथमेटिक्स ले लीजिए,
आपको प्रोग्रामिंग में साइन करना है, कोसाइन करना है, टेंजेंट करना है, लॉगरिथम करना है, आप हर एक के लिए टेलर सीरीज लिख के उसका वैल्यू लिख सकते हैं। लेकिन मैं लिखूंगा, ये भी लिखेंगे, वो भी लिखेंगे। अब किसी ने समझा कि भाई ये चीजें तो हर एक को लिखनी पड़ती है, तो क्यों ना मैं ही लिख के कहीं रख दूं। तो इस तरह से बनी लाइब्रेरी ऑफ फंक्शंस। वो लाइब्रेरी ऑफ फंक्शंस में किसी ने फंक्शंस लिख के रख दिए, वो हम यूज कर सकते हैं। सॉरी, नहीं, क्योंकि इंट, देखिए ये जो मेन प्रोग्राम है और ये जो फंक्शंस हैं, ये अलग अलग सेल्फ सस्टेन्ड कंपोनेंट्स हैं। ईच वन इज इंडिपेंडेंट, ईच वन इज इंडिपेंडेंट, सो वो इंडिपेंडेंट ही रखना पड़ेगा। इंट मेन पूरा लिखे, उसके बाद में फंक्शन डेफिनेशन, उसके बाद में दूसरी फंक्शन डेफिनेशन, या फंक्शन डेफिनेशन सबकी सब ऊपर आए, या प्रोटोटाइप ऊपर आए नीचे फंक्शन डेफिनेशन, क्योंकि इनमें मिक्स नहीं कर सकते, दो अलग अलग चीज़, तो दो सब अलग अलग ही लिखी जाएंगी। मैं आगे जाके ये कह रहा हूं कि कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो सबके काम आते हैं, तो क्यों आप लिखे साइन के लिए टेलर सीरीज, मैं लिखूं साइन के लिए टेलर सीरीज। सी प्लस प्लस लिखने वालों ने तय कर लिया कि भाई साइन सबको लिखना पड़ता, तो इसलिए मैं ही फंक्शन लिख देता हूं साइन, उसका नाम भी रखूंगा साइन। मैं ही फंक्शन लिख देता हूं कोसाइन, उसका नाम भी रखूंगा कोसाइन। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे मेन प्रोग्राम में ये मेरा इंट मेन है, यहां पे मैंने कुछ लिख दिया फ्लोट एक्स वाई जेड, और उसके बाद मैंने कुछ तो भी सी इन कर दिया, और मैं चाहता हूं जेड इक्वल टू साइन एक्स माइनस कोसाइन वाई। Suppose I write like this, you know what it means? For C++, this is no different than my poly or abracadabra or whatever. So the compiler will say, okay, where is the definition of sine? Where is the definition of cos? Ordinarily, I should have written it here, or I should have written a prototype and then written this after the main program somewhere. Lekin main to kuch nahi likh raha hu, क्योंकि मैं इस मुगालते में हूं कि किसी ने लिख दिया है फंक्शन लाइब्रेरी, तो कंपाइलर को कैसे पता चले? कंपाइलर को पता चलने के लिए हमारे इंक्लूड स्टेटमेंट जो होते हैं, इंक्लूड नॉर्मली हम क्या लिखते हैं, आईओ स्ट्रीम, ठीक है, उसके साथ हम एक और लिखेंगे इंक्लूड सी मैथ। सी मैथ क्या है? यह है मैथमेटिकल लाइब्रेरी ऑफ द टाइप सी लैंग्वेज, यानी पुरानी जो लैंग्वेज थी उसके कंपैटिबल लाइब्रेरी है, उसका नाम सी प्लस प्लस में है सी मैथ। ये इंक्लूड करेंगे तो सबसे पहले कंपाइलर जब आएगा तो पहले तो यह पढ़ेगा, तो वहां हड़क जाएगा, अरे भाई यह सी मैथ क्या है, वो समझ जाएगा कि कोई बंदा है जो सी मैथ में जो लाइब्रेरी फंक्शन है वो यूज करने वाला है। तो आगे प्रोग्राम पढ़ने से पहले वो सी मैथ लाइब्रेरी में जाएगा, वो जो डिस्क पे धरी रहेगी। जो लाइब्रेरी होती है इस तरीके से बनाई गई, उस लाइब्रेरी के दो हिज्जे होते हैं। एक हिज्जे को बोलते हैं हेडर फाइल, जिसमें प्रोटोटाइप डेफिनेशन रहते हैं, और दूसरे हिज्जे में होते हैं फंक्शन जो पहले से कंपाइल करके रखे हुए रहते। तो ऐसे अगर हम रेफरेंस करेंगे तो कंपाइलर क्या करेगा, वो सी मैथ लाइब्रेरी में जाके हेडर फाइल देखेगा और वो बोलेगा कि साइन कॉस टैन कोटैन लॉग ये सब उसमें डिफाइंड है, ये प्रोटोटाइप उनकी डेफिनेशन। इस प्रोग्राम में साइन और कॉस यूज किया है, जब वो यहां पहुंचेगा तो बोलेगा अरे मुझे मालूम है साइन जो है वो फ्लोट, उसका प्रोटोटाइप क्या है, फ्लोट साइन फ्लोट, यानी एक फ्लोट वैल्यू लेता है और उसका फ्लोट वैल्यू कैलकुलेट करके वापस भेजता, उसका काम हो गया, उसने कंपाइल कर लिया। अब देखिए कितनी सुविधा हो गई, हजारों फंक्शन जो ऐसे हैं जो आपको हर बार काम में लाने पड़ेंगे और जो कॉमन है वो किसी ने बड़ी मेहनत करके लिख के करेक्ट करके छोड़ दिए हैं। आपको खाली इंक्लूड दिस लाइब्रेरी, इंक्लूड दैट लाइब्रेरी, इंक्लूड दैट लाइब्रेरी, लॉगरिथम कैलकुलेट करो, साइन कैलकुलेट करो, कोसाइन कैलकुलेट करो, जो करना।
जो करना है ना, जो दिया हुआ है उतना, उसके ऊपर आप कुछ करना चाहो तो आप करो। तो ये फंक्शन का पावर समझ गया। एक तो खुद आप फंक्शन लिखेंगे, आपका प्रोग्राम शॉर्ट हो जाएगा, एक ही बार फंक्शन लिखना पड़ेगा, आप उसको बार बार इन्वोक कर सकते हैं। दूसरा, किसी और ने लिखे हुए फंक्शन आप यूज कर सकते हैं। तो C++ प्रोग्रामिंग का तरीका ये है कि जितना भी बन सके अलग अलग फंक्शन लिखो और कॉल करते जाओ। और वो तरीका किस एक्सटेंट तक गया है, जो आपका मेन प्रोग्राम है वो भी फंक्शन है, जो आपका मेन प्रोग्राम है वो भी फंक्शन है। वो फंक्शन कौन कॉल करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। जब आप बोलते हैं /a.out, आप कमांड दे रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते है अच्छा C++ है, जरूर फंक्शन होगा। तो उसको क्या मालूम होना चाहिए? फंक्शन का नाम क्या है, पैरामीटर्स क्या है, रिटर्न वैल्यू क्या आने वाली। वो ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसा पता चलेगा? देखिए आपका प्रोग्राम इंट मेन ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट, ये फंक्शन प्रोटोटाइप ही हुआ ना। पैरामीटर क्या है? कुछ नहीं। रिटर्न वैल्यू क्या आएगी? इंटीजर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे हम जा रहे हैं साइन और कोसाइन के पास, वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम ए डॉट आउट के पास आएगी, कोई पैरामीटर बिना लिए आएगी, बोले कि चलो बेटा एग्जीक्यूट कर लो, लेकिन जाते जाते मुझे एक इंटीजर वैल्यू थमा देना, क्योंकि वो रिटर्न वैल्यू। इसीलिए हम प्रोग्राम के अंत में लिखते हैं रिटर्न जीरो। अब समझ गया रिटर्न जीरो क्यों लिखते हैं एंड में, जीरो लिखना जरूरी नहीं है, रिटर्न 5, रिटर्न 73, रिटर्न 7432, कुछ भी लिखो। ऑपरेटिंग सिस्टम को चाहिए कि भाई एक रिटर्न वैल्यू मिल जाए, क्योंकि आपने लिखा है रिटर्न इंट इंटीजर। तो इस तरह से मेन प्रोग्राम भी एक फंक्शन है, उस मेन प्रोग्राम के अंदर आप 10 फंक्शन कॉल कर सकते हैं, उनके प्रोटोटाइप लिख दें, या पहले से लिखे हो कहीं लाइब्रेरी में तो वो लाइब्रेरी का नाम लिख, समझ गए। अब आप जो स्लाइड्स में जो फंक्शन डेफिनेशन मैंने दिए हैं वो कुछ लेक्चर्स में फंक्शंस के, वो जाके पढ़ें, फंक्शन किस तरह से लिखे हैं वो पढ़ें। तो जब हम रिवीजन करेंगे तो उसमें हम आपको फंक्शन के कुछ और प्रॉब्लम्स देंगे, और किसी भी बुक में, कुहून के बुक में कहीं भी जाके आप देखें फंक्शन किस तरह लिखे जाते, किस तरह इन्वोक किए जाते, ठीक है। चलो, ये इनका सवाल है कि भाई मैंने यहाँ लिखा है सी मैथ, लेकिन कई जगह ऐसा आता है इंक्लूड math.h। मैं मतलब समझाता हूँ, नॉर्मली जो प्रोग्रामिंग शुरू हुई C++ की, उसके पहले भाषा थी C, और C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो लाइब्रेरीज थी उन सब का नाम .h से दिया गया था, समथिंग .h। h का मतलब होता है हेडर, हेडर यानी क्या, हेड ऊपर होता है, धड़ नीचे होता है। तो कोई भी प्रोग्राम लिखा है उसके पहले हेडर आ जाएगा, वो हेडर में सब प्रोटोटाइप डेफिनेशन रहेंगे और बाकी फंक्शन कंपाइल किए हुए रहेंगे। इसलिए उसका जो स्टैंडर्ड है सी प्रोग्रामिंग का, उसमें सब फाइल जो है इंक्लूड math.h, graphic.h, stdio.h, ऐसे सब h के नाम से। जब C++ बना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो उसने कहा कि ये ओल्ड टाइप सी के जो फंक्शन है वो यूज तो करते आना चाहिए लोगों को, लेकिन ये .h गलत है, क्योंकि मैं खाली हेडर फाइल नहीं रख रहा हूँ लाइब्रेरी में, मैं पूरा कंपाइल किया हुआ फंक्शन भी रख रहा हूँ। इसलिए C++ ने सबके नाम बदल के यहाँ कर दिया सी मैथ, math.h का हो गया सी मैथ, ओके, stdio.h का हो गया सी stdio। तो ये नाम खाली बदल गए हैं। C++ में आप math.h नहीं लिख सकते, आपको सी मैथ लिखना पड़ेगा। अगर आप C++ ट्यूटोरियल ऑनलाइन देखेंगे तो उसमें सी लाइक फंक्शंस के दिए हुए हैं नाम, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग C++ फंक्शंस के भी नाम। तो अगर आप C++ लिख रहे हैं तो ऐसा लिखें, लेकिन आप अगर मान लीजिए सी प्रोग्राम लिख रहे हैं, जो आप लिख सकते हैं क्योंकि अभी तक हमने जो भी पढ़ा है खाली सी इन सी आउट को छोड़ के सबका सब सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वैलिड है। आप अगर सी प्रोग्राम लिखे और सी प्रोग्राम कंपाइलर से कंपाइल करें तो फिर आपको math.h लिखना। कुछ कंपाइलर हैं जैसे टर्बो C++, और टर्बो C++ C++ होने के बावजूद सी टाइप के नाम यूज करता है फंक्शन, तो प्री डिफाइंड फंक्शन उधर math.h, graph.h ऐसा चलता है, इसमें थोड़ी धांधली है। लेकिन सही जो वाजिब तरीका है वो ये है कि C++ आप प्रोग्राम लिख रहे हैं तो सी मैथ, सी स्ट्रिंग, सी समथिंग, ऐसे नाम, ठीक।
ٹھیک ہے.